घमापुर के दुर्गा मिष्ठान भंडार सहित अन्य अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर। लंबे समय के बाद आखिरकार प्रशासन ने घमापुर चौक की सुध ली। शहर के सबसे संकीर्ण मगर व्यस्ततम चौक के आसपास के अतिक्रमण तोड़े गए। इस सड़क का विकास रामलीला मैदान के पास से मानो थमसा गया है। राजनीतिक तुष्टिकरण के चलते जगह जगह अवैध कब्जे किए गए हैं। रामलीला मैदान मुख्य सड़क पर तो स्थायी कब्जे की दुकानें बनाकर आसपास के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग किराया तक वसूल रहे हैं। अब देखना यह है कि ऐसी कार्यवाही करते हुए नगर निगम क्षेत्र का विकास करेगा या यह कार्यवाही भी चार दिन की चांदनी ही है। तो क्या कार्रवाई हुई यहाँ पे? यहाँ पे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जैसा रोड और नाली का आना है, उस संबंध में आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार इस रोड पर जो भी अतिक्रमण आ रहे थे उसको तोड़ा जा रहा है। अभी वर्तमान में हमने चिन्हांकन की कार्रवाई पहले ही कर ली थी और फिलहाल आज की स्थिति में करीब 12 से 15 अतिक्रमण हम तोड़ लेंगे। उसके बाद ये निरंतर कार्यवाही चलेगी और जो भी क्षेत्र में अतिक्रमण में आएगा उसको तोड़ा जाएगा। शाम के समय यहाँ पे लगातार ठेलों का अतिक्रमण होता है, जो टेम्परेरी अतिक्रमण होता है वो भी हटाया जाएगा? जी हाँ, स्थायी अतिक्रमण के लिए भी हम नियमित रूप से कार्रवाई करते रहते हैं। बीच में अभी त्योहारों की वजह से कार्रवाई थोड़ी रुकी हुई थी, वो कार्रवाई फिर से चालू होगी और जो भी अस्थायी अतिक्रमण है यहाँ के अलावा शहर के बाकी क्षेत्र में वो भी हटाया जाएगा।